हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आर्बिट्रेरी सीरीज का जो सिक्स्थ चैप्टर है उसका सिक्स्थ एग्जांपल करते हैं। पेज नंबर 6.13 पे है। इसमें हम एक सीरीज दे रखी है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करनी है। तो ये ड्रिचलिट टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले एबल्स टेस्ट हमने पढ़ा था। एबल्स टेस्ट की स्टेटमेंट क्या थी? एक सीरीज तो कन्वर्जेंट है ए एन, और एक दूसरी सीरीज है बी एन जो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। देन इनकी जो प्रोडक्ट है ए एन बी एन वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। ठीक है, ये तो एबल्स का रिजल्ट था। और ड्रिचलिट टेस्ट का रिजल्ट क्या था? ड्रिचलिट टेस्ट का रिजल्ट था, इसमें क्या था? एक सीरीज है समेशन ए एन, इसका जो पार्शियल सम है, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो बाउंडेड, एंड जो बी एन है सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू जीरो एज एंड टेंस टू इन्फिनिटी, देन समेशन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इसमें ए एन का कन्वर्जेंट होना जरूरी है और बी एन मोनोटोनिक और बाउंडेड। इसमें क्या है? ए एन कन्वर्जेंट होनी जरूरी नहीं है, बस उसका पार्शियल सम बाउंडेड होना चाहिए, और बी एन है जो डिक्रीजिंग हो मोनोटोनिकली और जीरो पे कन्वर्ज करे सीक्वेंस, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो हमें बी एन ऐसी चूज करनी है जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और जीरो पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी साइन या कोस आ जाए क्वेश्चंस में तो ध्यान रहे उसमें ड्रिचलेट टेस्ट ही लगाओगे, क्योंकि इस सीक्वेंस को हम ए एन नाम दे देंगे, इसको बाउंडेड प्रूव करना इजी है। तो लेट ए एन हम मान लेते हैं इसको साइन एन थीटा प्लस एल्फा, एंड बी एन हम अज्यूम कर लेते हैं 1/n, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। ठीक है, तो इस सीरीज को तो हमें प्रूव करना है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू जीरो, और इसके पार्शियल सम को बाउंडेड। तो पहले इसके पार्शियल सम को बाउंडेड प्रूव करते हैं। तो नाउ एस एन क्या होता है? अभी फर्स्ट एन टर्म्स का सम ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, तो एस एन आएगा साइन थीटा प्लस एल्फा प्लस साइन टू थीटा प्लस एल्फा प्लस साइन एन थीटा प्लस एल्फा। ठीक है, अब ये जो साइन के एंगल में है ये एपी बनता है, कॉमन डिफरेंस कितना है? थीटा। तो इस एपी का सम का फॉर्मूला है हमारे पास साइन, ये हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में जो नंबर थ्योरी है सब्जेक्ट, उसके लास्ट चैप्टर में आता है ये फॉर्मूला। साइन के लिए भी है और कोस के लिए भी है। तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू इंटू साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल एन इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल बाई टू, और डिवाइड साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल, इनका डिफरेंस थीटा ही है ना, टू थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा माइनस एल्फा, तो थीटा बाई टू। ठीक है, कोस वाले में बस इतना चेंज है, यहाँ पर कोस आ जाएगा, बाकी दोनों जगह साइन आएगा, ये चीज़ सेम। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, जितनी टर्म है काउंटिंग में एन, इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल बाई टू, और यहाँ पर साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल बाई टू। ठीक है, तो हमें एस एन को बाउंडेड दिखाना है, तो मोड ले लेते हैं, मोडुलस एस एन का मोड इक्वल टू इधर भी मोड साइन, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, उसकी मोडुलस वैल्यू हमेशा वन से छोटी रहेगी। साइन एन थीटा बाई टू और डिवाइड साइन थीटा बाई टू। ठीक है, ये मोड, तो इसका मोड अलग से हो जाएगा, इसका मोड अलग से, इसका मोडुलस भी लेस देन इक्वल टू वन, इसका मोडुलस भी लेस देन इक्वल टू वन, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस एन का मोड लेस देन इक्वल टू वन बाई मोड साइन थीटा बाई टू। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये नॉन जीरो है तब क्या होगा और ये जीरो है तब क्या होगा। तो फर्स्ट केस है इफ साइन
थीटा बाय टू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भाई साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा बाई टू नॉट इक्वल टू एन हम पहले यूज कर चुके हैं तो के ले लेते हैं, कोई भी नंबर है के पाई, इसका मतलब थीटा नॉट इक्वल टू टू के पाई। ओके, तो इस केस में ये देखो एस एन का जो मोड है लेस देन इक्वल टू जो भी रहेगा थीटा टू के पाई के इक्वल नहीं है, तो ये जीरो नहीं है। इसकी वैसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वन, तो ये जो भी वैल्यू आएगी फाइनाइट आएगी, इन्फिनिटी तो कभी नहीं आ सकती, इन्फिनिटी तभी आएगी जब ये जीरो हो, तो इसका मतलब ये क्या आएगी कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस एन इज बाउंडेड। ठीक है भाई, तो बाउंडेड हमें प्रूव करना था। अब बी एन पे आ जाते हैं, बी एन सिक्वेंस क्या है वन बाई एन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन, ये प्रूव करनी है कन्वर्जिंग टू जीरो एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन बाई एन। अब या आपको याद हो हमने कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी थी ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाई एन, ये वहीं कन्वर्ज करेगी जहाँ पर ए एन कन्वर्ज करती हो, ए एन अगर ए पे कन्वर्ज करती है तो ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगी ए पे, तो हमारी ए एन ये है ए वन ए टू ए एन, ये जीरो पे कन्वर्ज करती है वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो ये कंप्लीट भी कहाँ कन्वर्ज करेगी जीरो पे। ठीक है, यहाँ पे कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाया है तो क्लियरली लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू जीरो। अब इसे मोनोटोनिक दिखाना है बस, तो मोनोटोनिक के लिए हम क्या करते थे बी एन और बी एन प्लस वन का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो बी एन है बी एन प्लस वन क्या आएगा वन बाई एन प्लस वन, वन प्लस वन बाई टू और प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो बी एन माइनस बी एन प्लस वन कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाई एन वन प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस वन, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन और प्लस वन बाई एन प्लस वन। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं वन बाई एन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन, इसको एक बार वन बाई एन तक रख लेते हैं और ये माइनस माइनस हो जाएगा वन बाई एन प्लस वन का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस टर्म में और इस टर्म में ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन, बचेगा क्या इधर वन बाई एन माइनस इधर वन बाई एन प्लस वन, और माइनस में वो वाली टर्म तो एज इट इज है ही। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये आ जाएगा एन प्लस वन माइनस एन बाई एन इंटू एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वेयर, ये एन से एन कट जाएगा तो बचेगा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन वन बाई एन एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वेयर। क्लियरली दिख तो रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो यानी ये जो भी टर्म आएगी ये पॉजिटिव आएगी, यानी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट हम ऐसे नहीं कह सकते, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो देखो एन छोटा है एन प्लस वन से, तो वन बाई एन बड़ा है वन बाई एन प्लस वन से, तो जहाँ भी वन बाई एन है यहाँ पे, यहाँ नहीं इसमें जो आएगा इस ये एन तक वाली टर्म थी ना भाई, ये एन तक थी, यहाँ पर एन प्लस वन नहीं था ना, एन तक टर्म थी। ठीक है, तो वन बाई एन की जगह रख देंगे ग्रेटर देन वन बाई एन प्लस वन, तो ग्रेटर देन ये अंदर वाला तो एज इट इज रखना है, इसकी जगह रखेंगे वन बाई एन प्लस वन का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर एन प्लस वन का स्क्वेयर ऑलरेडी था, तो ये कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा वन बाई एन प्लस वन का स्क्वेयर वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई एन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा, अब ये हमारे पास क्या टर्म बचेगी स्क्वेयर वन बाई टू प्लस वन बाई एन। तो क्लियरली एन नेचुरल नंबर है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन, तो यहाँ से बी एन क्या हो गई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बी एन बड़ा हो गया ना।
तो हमने बी एन को प्रूव कर दिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, जीरो पे कन्वर्ज करती है, ए एन का पार्शियल सम बाउंडेड है, सो बाई ड्रिचलिट टेस्ट दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट. तो हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट.